9 साल दी आरजा गुरु नानक साहब दी हुई। उस वक्त 9 साल दी उम्र विच मेहता कालू जी ने एक अपने घर बड़ा वड्डा एक प्रोग्राम उली किया। उस प्रोग्राम दे अंदर जिन्ने साख संबंधी सी, जिन्ने साख संबंधी रिश्तेदार तलवंडी दा इकट्ठ कीता, तलवंडी दे लोकां दा बहुता वड्डा इकट्ठ होया। होया कादे लई? धन गुरु नानक साहिब नूं जनेऊ पाउणे। साहिब ने किसे नूं नहीं रोकिया। जदों रिश्तेदार साख संबंधी भी आ गए, जदों पिंड दे लोकां दा इकट्ठ भी हो गया, एक वड्डा इकट्ठ होया, कई तरह दे पकवान बने, पदार्थ खाण पीन वाले तैयार हुए, वक्त नाल पंडित हरदयाल जी भी पहुंच गए। जदों पंडित हरदयाल जी आए ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे कोल आके बचन आखे कहन लगे भी आ नानक तेनू जनेऊ पाउणे। गुरु नानक साहब ने एक बचन आखे कहन लगे जनेऊ पाउण तो पहला मैं तेनू पुछना चाहना भी ये कादे लई पाउणे, की कारण है। अगों ने बचन आखे भी तुसी जनेऊ पाउण दे नाल धर्मी बन जाओगे। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज ने एक बचन आख्या, भलिया मेरे तो 5 साल बड़ी मेरी भैन बेबे नानकी है, पर एदे जनेऊ पाया मैं वेख्या नहीं। ते पहला ते यह दस जनेऊ मेरी भैन दे भी नहीं पाया। दूजी गल जिहड़ा जनेऊ जिहड़ी जन्म देने वाली मेरी मां माता तृप्ता यह धागा जनेऊ उहदे भी नहीं पाया। पंडित हरदयाल ने कहा, कहन लग्या भी मैनू जां मेरा धर्म इजाजत नहीं दिंदा भी एक इस्त्री जनेऊ पाए। ते गुरु नानक साहब ने अगला बचन आख्या, बड़े लोगों का इकट्ठ सी, मैं तुहानू बाणी विच यह भी बचन आखदे हां, जिहड़े अमीर घराने के लोग सन उस वक्त सर दे पुजदे, वह जिते लंगर लाउंदे सन उत्थे बकरे वढ के भी वरताए जांदे सन। गुरबाणी विच बचन आए ने, कोई बकरा रिन खाया सब को आखे पाए, ते कान विच जनेऊ पा के आवाज दे देनी ब्राह्मण ने भी अज तो बाद तेरा गुरु ब्राह्मण है, सिखा कान चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया, ये गुरबाणी दे बोल ने। सारे लोग हैरान होए, जड़ी सदियां तो गल चल रही सी, ते अज पहला एक 9 साल का ये गुरु नानक साहब नानक ने, वह तो चलो नानक शब्द ही वरतते होंगे भी अज इन्हें ना कर दी भी ये जनेऊ मैं पाउणा नहीं। गुरु नानक साहब ने बचन आके कहन लगे जे ये जनेऊ धर्मी बनाउंदे ते पहला जन्म देने वाली मेरी मां नूं धर्मी बना, जे ये जनेऊ धर्मी बनाउंदे मेरे तो वड्डी मेरी 5 साल वड्डी भैन बेबे नानकी नूं धर्मी बना, जे ये धर्मी नहीं ते मैं भी धर्मी, जिहड़ा धर्म दे नां ते वितकरे पैदा करे मैं इहो जिहा धर्मी नहीं बनना। उंज मैं तुहानूं बेनती कह दिया, ये सानूं ख्याल रखना चाहीदा है। जनेऊ पाउण दी भी वक्री वक्री उम्र है हिंदू धर्म अंदर, ते जनेऊ भी वक्रे वक्रे ढंग दा बनाया जांदा है। जिवें ब्राह्मण है उहनूं सूत दा जनेऊ पाया जांदा है, जिवें खत्री है उहनूं ऊन दा जनेऊ पाया जांदा है, कईआं नूं कपाह दा जनेऊ पाया जांदा है, ते जिहड़ा शूदर है उहनूं कोई हाकी नहीं है, ना इस्त्री है उन्हें कोई हक नहीं है भी वह को जनेऊ पा सके। ये गुरु नानक साहब का धर्म नहीं है, ना कलगी धर की अमृत की दात नहीं भी जे एक सिपाही ने अमृत छकिया तो एक माई भी अमृत छकती है, जे एक बीबी बाणी पढ़ सकती है उत्थे सिंह भी पढ़द, क्षमा करो ये जनेऊ कभी बराबरता नहीं दिता। महाराज ने जदों जनेऊ पाउण तो ना की, पंडित हरदयाल नूं बचन आखे भी ये जनेऊ मैं नहीं पाउणा,
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਪੇਰੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਨੇਊ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਵਾ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਤੂੰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਜਨੇਊ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਜਾਣੀ। ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਤ ਵੱਟ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਵੱਟ ਚਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੀ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਵਰਤਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਇਸ ਧਾਗੇ ਜਨੇਊ ਨੇ ਟੁੱਟਣੇ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਦਇਆ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੇ ਬਿਨਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।